सुपरहिट संगीत तुम ही हो के पीछे का आदमी कोई और नहीं बल्कि अरिजीत सिंह है। वह भारत के रत्न है जिन्होंने न केवल गायन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाई है बल्कि रचना, रिकॉर्डिंग और संगीत प्रोग्रामिंग में भी वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। वह भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे बहुमुखी और सफल गायकों में से एक हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद के लिए नाम कमाया है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को जियागंज मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में एक पंजाबी पिता और बंगाली माँ के यहाँ हुआ था। उनके मामा ने उन्हें शास्त्रीय संगीत की कक्षाएं दी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा राजा बीएच सिंह हाई स्कूल से पूरी की और बाद में श्रीपत सिंह कॉलेज गए। धीरेंद्र प्रसाद हजारी द्वारा प्रशिक्षित। उन्हें राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत सिखाया गया था और धीरेंद्र प्रसाद हजारी द्वारा तबला में प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने उन्हें रवींद्र संगीत और पॉप संगीत भी सिखाया। सरकार से छात्रवृत्ति। उन्होंने 3 साल की उम्र में हजारे बंधुओं के मार्गदर्शन में अपने सीखने के करियर की शुरुआत की। जब वह 9 साल के हुए तो उन्हें मुखर भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण के लिए सरकार से छात्रवृत्ति मिली। 3 संगीत गुरु। प्रतिभाशाली संगीतकार को 3 गुरुओं के तहत प्रशिक्षित और निर्देशित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया, धीरेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें तबला सिखाया और वीरेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें रवींद्र संगीत और पॉप संगीत सीखा। करियर की शुरुआत। 2005 में उन्होंने एक रियलिटी शो फेम गुरुकुल में भाग लिया जब उनके शास्त्रीय संगीत गुरु राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। इस रियलिटी शो में वह 6वां स्थान पाने में सफल रहे। उन्होंने एक अन्य रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में भी भाग लिया और प्रतियोगिता जीती। फ्रीलांस सिंगर। एक पार्श्व गायक के रूप में बॉलीवुड उद्योग में प्रवेश करने से पहले उन्होंने शंकर एहसान लॉयर, प्रीतम चक्रवर्ती, विशाल शेखर और मिथुन शर्मा के साथ एक फ्रीलांसर के रूप में सहयोग किया। उन्हें काम करते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला। अरिजीत की मूर्तियां। उन्हें शास्त्रीय संगीत सुनने का शौक है। वह बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद राशिद खान, जाकिर हुसैन और आनंद चटर्जी जैसे महान संगीतकारों को पहचानते हैं। उन्हें किशोर कुमार, हेमंत कुमार और मन्ना डे का संगीत सुनना भी पसंद है। प्लेबैक डेब्यू। काफी समय तक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करने के बाद उन्होंने प्लेबैक सिंगर के रूप में अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया। उनका पहला प्लेबैक डेब्यू फिल्म मड 2 2011 के लिए फिर मोहब्बत था। लोकप्रियता पाने के बाद उन्होंने काफी हिट फिल्मों के लिए आवाज दी जैसे आशिकी 2 2013, ये जवानी है दीवानी 2013, गोलियां की रासलीला रामलीला 2013, चेन्नई एक्सप्रेस 2013, हीरोपंती 2014 और कई और अधिक। एक फिल्म निर्देशित की। वर्ष 2015 में बहुमुखी संगीत निर्देशक, संगीतकार और गायक ने एक बंगाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म भालोबाशर रोजनामचा का निर्देशन किया। संगीत उनके खून में दौड़ता है। बहुत कम उम्र से उनकी माँ उन्हें संगीत सीखने के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने अपनी माँ से संगीत सीखा जो उनके साथ खेलती और गाती थी। अन्य प्रतिभा। संगीत रचना में गहरी रुचि के अलावा उन्हें बैडमिंटन खेलना भी पसंद है। वह एक लेखक हैं और फिल्में देखना पसंद करते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता भी हैं। उन्होंने वर्ष 2016 में रॉय 2015 फिल्म के सोराज दोबा गीत के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आशिकी 2 2013 के लोकप्रिय गीत तुम ही होने उन्हें सभी पुरस्कारों में से 9 पुरस्कार जीते। उन्हें फिल्मफेयर, आईफा, जी सिनेमा और 2 स्क्रीन अवार्ड जैसे कई उच्च श्रेणी के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।